दोस्तों, अगर आप भी अपने घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं मोशन सेंसर एलईडी बल्ब लेने की, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं फिलिप्स के और हेलोनिक्स के मोशन सेंसर बल्ब को, दिखाने वाले हैं कि कितने ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, क्या दोनों के बीच में कोई डिफरेंस होता है, बिकॉज दोनों ही अलग अलग ब्रांड के हैं। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहें। ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। अभी मेरे सामने ये दोनों के दोनों एलईडी मोशन सेंसर बल्ब्स हैं, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। अगर मैं फिलिप्स की बात करूं तो यहां पे क्या क्या ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। सबसे पहले मैं पास लाके आपको दिखाऊं तो फिलिप्स के अंदर आपको मिल जाता है 9 वॉट का ये बल्ब है, एलईडी बल्ब, और यहां पे आपको ऑटो ऑन ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी अगेन मोशन सेंसर इसके अंदर होता है, तो यहां पे आपको इमेजेस के थ्रू भी बताया गया है। पीछे की तरफ अगर मैं चलूं तो यहां पे आपको बता देता हूं कि यहां पे अगेन वॉटेज 9 वॉट बताई गई है। साथ ही साथ इसका प्राइस बताया गया है, प्राइस इसका 699 रुपीज है। और अगर मैं ल्यूमिन्स की बात करूं तो ल्यूमिन्स की इन्फॉर्मेशन यहां पे आप नीचे देखेंगे, 900 ल्यूमिन्स आपको इसके अंदर मिल जाती है, तो अच्छी खासी एक ब्राइटनेस आपको मिल जाती है बल्ब के अंदर। और कहां कहां किस किस जगह पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो, तो यहां पे मेंशन किया गया है कि बालकनी में आप इसको यूज कर सकते हैं, स्टेयर केसेस में आप इसको यूज कर सकते हैं, वॉशरूम में आप इसको यूज कर सकते हैं, पार्किंग लॉट वगैरह में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो काफी ईजी होता है, जैसे आप जाते हैं बल्ब अपने आप ऑन हो जाता है, जैसे आप वहां से हटते हैं तो अपने आप एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बल्ब अपने आप ऑफ हो जाता है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहां पे इस बल्ब के जो बॉक्स है उसके ऊपर दी गई है। अब सेम यही इन्फॉर्मेशन अगर मैं आपको दिखाऊं हेलोनिक्स के ऊपर भी मोटी मोटी यही सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो हेलोनिक्स के अंदर भी आपको बताया गया, लेकिन यहाँ पे वॉटेज में डिफरेंस है। प्राइस जो है अगर मैं दिखाऊं सबसे पहले आपको डिफरेंस, तो प्राइस यहाँ पे 300 इसका 49 रुपीज है। तो अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं 349 रुपीज यहाँ मेंशन किया गया इसका प्राइस, और इसकी जो वॉटेज है वो 10 वॉट है, यानी कि वॉटेज भी ज्यादा है प्राइस भी कम है। और फिलिप्स के अंदर वॉटेज भी कम है और प्राइस भी ज्यादा है, बट क्योंकि ब्रांड वैल्यू ज्यादा है फिलिप्स की, शायद इसलिए थोड़ा सा प्राइस में आपको डिफरेंसेस मिल जाते हैं। अगेन इसमें भी आपको ऑटो ऑन ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है, रडार मोशन सेंसर आपको मिल जाता है, और कहां कहां किस किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, तो यहां पे अगेन बताया गया है कि कितनी ज्यादा डिफरेंस, कितनी ज्यादा एरिया कवरेज ही करता है, 15 फीट के आसपास ही एरिया कवरेज कर लेता है, 360 डिग्री मोशन डिटेक्शन इसका एंगल होता है। और कहां कहां अगेन यूज कर सकते हैं, तो बाथरूम में यूज कर सकते हैं, बालकनी में यूज कर सकते हैं, स्टेयरकेस में यूज कर सकते हैं, पॉर्च में यूज कर सकते हैं, ड्राइववे में यूज कर सकते हैं, और स्टोर रूम में यूज कर सकते हैं। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहां बताई गई है। इसके अलावा अगर ल्यूमेंस की इन्फॉर्मेशन तो सेम यहां पे भी आपको 900 ल्यूमेंस मिल जाता है, प्राइस मैंने आपको इसका बता ही दिया है, और इस तरीके का कुछ इसका जो होता है बॉक्स होता है। तो अब एक बारी मैं दोनों बल्ब्स भी आपको दिखा देता हूं, दोनों ही बल्ब्स मैंने निकाल के रखे हुए हैं, तो ये दोनों के दोनों बल्ब्स हैं। तो राइट हैंड में अगर आपको दिखाऊं तो यहां पे मेरे पास फिलिप्स का बल्ब है, और लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास हेलोनिक्स का बल्ब है। दोनों ही देखने में एक जैसे लगते हैं, और बहुत ज्यादा कहीं भी आप डिफरेंस इसमें नोटिस नहीं कर पाएंगे, और मोटी मोटी जो इन्फॉर्मेशन मैंने बॉक्स के ऊपर पड़ी है वही सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इन बल्ब्स के ऊपर भी मिल जाती है। हालांकि फिनिशिंग वाइज अगर मैं देखूं तो मेरे को फिलिप्स की जो फिनिशिंग है काफी अच्छी लग रही है। इस तरफ आप देखेंगे यहां पे फिनिशिंग थोड़ी सी मेरे को डिस्टर्ब सी लग रही है, बट इससे ज्यादा मैटर नहीं पड़ता है। और अब एक बार मैं इनको दोनों को डेमो आपको करके दिखा देता हूं, कितने इजीली ये डिटेक्ट करते हैं मोशन को, वो पूरी की पूरी आपको एक डेमो करके दिखा देता हूं। तो दोस्तों, अभी मैंने हेलोनिक्स का 10 वॉट वाला जो बल्ब है इसको यहाँ पे लगा दिया है, और अभी मैं रूम से बाहर चले जाऊंगा। अभी मैंने इसके जो मेन पावर सप्लाई है उसको ऑन रखा हुआ है, तो जैसे मैं रूम से बाहर जाऊंगा ये अपने आप ऑफ हो जाएगा। उसके बाद मैं एक बार आपको रूम में एंटर करके दिखाऊंगा, जिससे कि आप देख पाएंगे ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। तो अभी मैं एक बार रूम से बाहर चले जाता हूँ, जिससे कि अपने आप ऑफ हो जाए, और उसके बाद में दोबारा रूम में एंटर करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, भी आप देख सकते हैं कि जैसा कि मैं रूम से बाहर गया तो बल्ब अपने आप ऑफ हो गया। अब मैं एक बारी आपको रूम के अंदर एंटर करके दिखाता हूं, और आप देखेंगे बल्ब अपने आप ऑटो ऑन हो जाएगा। तो अभी मैंने रूम में एंटर किया, और आप देखेंगे जैसे ही मैंने इसमें एंटर किया रूम में, अपने आप बल्ब जो है वो ऑटो ऑन हो गया। तो कुछ इस तरीके से ही वर्क करता है। अब एक बार फिलिप्स का भी जो बल्ब है उसको भी लगा के देख लेते हैं कि उसका कैसा क्विक रिस्पॉन्स है जब हम रूम से बाहर जाते हैं, कितनी क्विकली वो ऑफ हो जाता है और कितनी क्विकली वो ऑन हो जाता है जैसे हम रूम के अंदर एंटर करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो बल्ब है फिलिप्स का, ये ऑफ हो गया है। ऑलमोस्ट एक मिनट का टाइम लेता है ये ऑफ होने में। हालांकि बहुत ज्यादा सेंसिटिव मुझे ये बल्ब लगा कि अगर रूम के अंदर कुछ भी हलचल होती है तो ये उस टाइम पर ऑफ नहीं होगा। बिल्कुल आपके रूम में कोई भी हलचल नहीं होनी चाहिए, तब ये जाके ऑफ होता है। अब एक बार मैं रूम के अंदर एंटर करके आपको दिखाता हूँ, देखते हैं कितने क्विकली ये ऑन हो जाता है। तो ये मैं रूम में एंटर कर रहा हूँ, और आप देखेंगे जैसे ही मैं रूम में एंटर करता हूँ ये ऑन हो गया है। तो काफी क्विक रिस्पॉन्स है ऑफ के टाइम पे भी और ऑन के टाइम पे भी फिलिप्स के इस बल्ब का। दोस्तों, वीडियो आपने देख ही लिया होगा। अगर अभी भी आपके मन में इन एलईडी बल्ब्स को लेकर कोई सवाल है, हमारे कमेंट सेक्शन पर जाकर आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।